साल 2005 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था, इसका नाम था रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, और उसमें रियल लाइफ इवेंट्स को लिटरली रिकॉर्ड किया गया था। असल में एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि अगर किसी को पैसे दिए जाए तो क्या उस पैसे से वो आगे बढ़ पाएगा और इंटेलिजेंट तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं। तो उन्होंने एक होमलेस मैन यानी एक गरीब जिसका कोई घर नहीं था, उसे अचानक $1,00,000 यानी करीब 65 लाख रुपए दे दिए। उस होमलेस मैन का नाम था टेड रॉड्रिगो। तो उसे कैश दे दिए गए और वो लोग चल गए, और इस होमलेस मैन को कहा गया कि तुम इस पैसे का कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, एनीथिंग दैट यू वांट। फेक एक्सेंट। करीब 6 महीने तक इसे छुप छुप कर फॉलो किया गया कि वो उस पैसे का क्या करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 महीने बाद वो बिल्कुल उसी जगह पर आ गया जहां वो 6 महीने पहले था। इस फैक्ट से हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है कि कोई जैसा है अगर उसने अपने आप को बदला नहीं तब उसे कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए। 23। अगर आपसे मैं पूछूं इस दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसकी प्राइस है $160 बिलियन, मतलब इतने इंडियन रुपए 1140000000